please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज हम आपको मिलवाएंगे उस चेहरे से जिसने वक्त के बदलने के साथ साथ अपनी सूरत और सीरत दोनों ही बदल। पहले वो एक इंसान था लेकिन उसे शैतान बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और आज की तारीख में वो शैतान की तलाश में समूची दुनिया है, खास तौर पर अमेरिका, जिसके राडार पर है मोस्ट वांटेड जिहादी जॉन। इज दैट अ लीडर ऑफ अ स्मॉल आइलैंड थ्रेटन्स अस। पहले उसे कोई नहीं जानता था, अब वो बन गया है मोस्ट वांटेड। पहले वो था एक मामूली सेल्समैन, अब बन चुका है खतरनाक जिहादी। पहले उसने बदला अपना मजहब, फिर बदल डाला अपना नाम, फिर उतार फेंका शराफत का चोला, काले नकाब के पीछे छिपाया अपना चेहरा, मौत के इस सौदागर को दुनिया ने पुकारा जिहादी जॉन। साल 2015, जब पहली बार सिद्धार्थ धर उर्फ अबू रुमैया ने खुलेआम ऐलान किया था कि वो खलीफा के हुजूर में जाने को तैयार है। So now that we've got this caliphate, I think you'll see many Muslims wanting to flock there. नकाब में ढके इस चेहरे की पहचान उसकी बातचीत के तौर तरीके से हुई थी। Today, your citizenship is under our feet. And that the Islamic State, our country, is here to stay. And we will continue to wage jihad. यानी बोलने का जो तरीका ब्रिटिश लोगों का होता है, ये नकाबपोश उसी तरह से बोलता दिखाई दिया, मगर खुद सिद्धार्थ की बहन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। Believe the audio to resemble, from what I remember, the voice of my brother, but I think sort of having viewed the short clip in detail, I wasn't entirely convinced. करीब करीब साल भर पहले ये तस्वीरें सामने आई थी जिसमें एक नकाबपोश नजर आ रहा है, उसके हाथों में पिस्तौल है और वो जंप सूट पहने एक कैदी के पीछे खड़ा है। तस्वीर को देखते ही इसका तारुफ खुद ब खुद हो जाता था, क्योंकि ऐसी ही खौफनाक तस्वीरों ने दुनिया भर में इस्लामिक स्टेट यानी ISIS की दहशत कायम की थी। यही है जिहादी जॉन, यानी अबू रुमैया और सिद्धार्थ धर। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वही सिद्धार्थ धर उर्फ जिहादी जॉन, जो इस लिबास में बगदादी का सच्चा चेला दिखाई दे रहा है। ये वही जिहादी जॉन है जो अब दुनिया भर का सबसे खतरनाक आतंकी घोषित किया जा चुका है, और ये बात जैसे ही साफ हुई कि ये शख्स असल में मौत का सौदागर है, बस फिर क्या था, खुद इससे खून का रिश्ता रखने वाले लोग खून के आंसू रोते नजर आए। It's been very hard for me just to deal with the loss of my brother, and because I still classify him as my brother, and I'm in a state of denial. I just don't want to believe that he's out there and he's become this new person. अमेरिका ने बुधवार को भारतीय मूल के इस्लामिक स्टेट के खतरनाक आतंकी सिद्धार्थ धर उर्फ जिहादी जॉन को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया और उसकी तलाश तेज कर दी। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के दो आतंकियों को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर जगह दी है,
और इस ऐलान के साथ ही उन पर अमेरिकी नागरिकों या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक आतंकवादी हरकतों के जोखिम पैदा करने या इनको अंजाम देने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिद्धार्थ को नया जिहादी जॉन कहा जाता है। खुलासा यही है कि इराक और सीरिया में जंग के दौरान मारे गए बगदादी के अनगिनत कमांडरों की वजह से इस आतंकी संगठन में कई अहम पद खाली हो गए थे, लिहाजा जिहादी जॉन सरीखे आतंकवादियों को जल्दी ही या यूं कहें कि वक्त से पहले तरक्की दे दी गई और वो एक यूनिट का कमांडर बन गया है। आखिर ये जिहादी और जिद्दी जॉन है कौन? कैसे इसने अपनी सूरत और सीरत बदली? इसका पूरा सच दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिहादी जॉन यानी सिद्धार्थ धर के बारे में ताजा खुलासा तो आपने देख लिया, अब ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर ये सिद्धार्थ धर है कौन और क्यों इसे दुनिया के सबसे खौफनाक संगठन में इतनी अहम जिम्मेदारी मिल गई और क्यों ये इस वक्त दुनिया वालों की आंख में खटक रहा है। आखिर वो कौन सी बात थी जिसे इसे इंसान से शैतान बना दिया? Strange it is that a leader of a small island threatens us. ये चेहरा मोहम्मद एमवाजी का है, वही मोहम्मद एमवाजी जो सबसे पहले दुनिया में जिहादी जॉन के नाम से पहचाना गया। इंग्लैंड में पला बढ़ा एमवाजी बगदादी का सबसे खास सिपह सलार बनकर दुनिया के सामने खूंखार खूनी की तरह पेश होगा। ये बात हर उस शख्स को चौंका रही थी जो उसे बचपन से जानता था, मगर बात 2015 की है जब अमेरिकी सेना के ड्रोन इराक और सीरिया की जमीन पर बम बरसाने के लिए तैनात हो चुके थे। एमवाजी बगदादी के बेहद खास कमांडरों के साथ इराक के एक इलाके में किसी ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, तभी आसमान से अमेरिकी ड्रोन ने बम बरसा दिए और देखते ही देखते इस्लामिक स्टेट के दर्जनों जिहादी जान से हाथ धो बैठे। आतंकियों की उस लाश के ढेर में एक लाश एमवाजी की भी थी जिसके खौफनाक आंखें आज भी दुनिया को भुलाए नहीं भूलती। मगर ज्यादा वक्त नहीं बीता जब जिहादी जॉन के नाम से बदनाम हुए एमवाजी की जगह एक दूसरे शख्स ने ले ली, वो था सिद्धार्थ धर। और क्या अजीब इत्तेफाक था कि एमवाजी की ही तरह उसका बचपन भी इंग्लैंड की गलियों में ही बीता था। बस फर्क ये था कि सिद्धार्थ धर पहले हिंदू धर्म का था लेकिन उसने अपना मजहब बदल लिया और वो सिद्धार्थ धर से अबू रुमैया हो गया। लेकिन वो सिर्फ इतना ही नहीं बदला बल्कि वो तो बगदादी के खलीफा बनाए जाने की वकालत खुलकर करने लगा। I don't really identify myself with British values. I'm Muslim first, second and last. And I hope one day, and I invite all non-Muslims listening to this message to embrace Islam and follow the final messenger Muhammad. London में रहते हुए सिद्धार्थ धर मुहाजिरून नाम के एक आतंकी संगठन से जुड़ गया। इत्तेफाक देखिए कि धर के जिहादी बनते ही ये संगठन भी खत्म हो गया। खुलासा यही है कि उसे आतंक के हक में गवाही देने और उकसाने वाले भाषण देने के इल्जाम में ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया था और साल 2014 में उसे जमानत दे दी गई। इसके बाद ही सिद्धार्थ फरार होकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया चला गया था। इसने बड़ी कोशिश की हिंदुस्तान के युवकों को भी रेडिकलाइज करने के लिए अपनी स्पीचेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अपनी राइटिंग्स के माध्यम से, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार का कहना है कि हिंदुस्तान के कोई भी युवक उसके झांसे में नहीं आए और उसके साथ कोई भी जाके सीरिया में नहीं जुड़ रहा। धर को जल्द ही खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में तरक्की मिल गई और वो सीनियर कमांडर बन गया। और जिहादी जॉन यानी एमवाजी के मारे जाने के बाद लोग उसे ही जिहादी जॉन कहने लगे।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट का खुलासा यही है कि जनवरी 2016 में आईएसआईएस के कुछ बंधकों को फांसी देने वाले वीडियो में सिद्धार्थ हर ही लीडर था। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक स्टेट के दो आतंकी सिद्धार्थ हर और बेल्जियन मोरक्कन नागरिक अब्दुल लतीफ गनी को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में एक यजीदी लड़की के हवाले से खुलासा किया है कि थर उन आतंकियों की टोली में शामिल था जो यजीदी लड़कियों को अगवा करके उन्हें सेक्स स्लेव बनाने के लिए आईएसआईएस के गढ़ मोसुल ले जाते थे। थर को अंतर्राष्ट्रीय मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किए जाने के बाद अब उसकी तमाम जायदाद और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और कोई भी नागरिक इन आतंकियों के साथ किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। यानी अब इन लोगों का खुली हवा में सांस लेना उतना ही मुश्किल है जितना बगदादी के लिए शराफत की जिंदगी बसर करना। और अब बात करते हैं सीरिया के उस हिस्से की जहां से कहने को तो इस्लामिक स्टेट के आतंकी अपना जान बचाकर भाग चुके हैं, लेकिन कुछ जिद्दी लड़ाकों ने दजला नदी के किनारे अपने लिए महफूज पनाह बना रखी थी। मगर सीरिया की फौज ने भी अमेरिकी जंगी जहाजों की मदद ली और जब उस हिस्से में मौत बरसाई तो बस चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। बताया यही जा रहा है कि आसमान से बरसी मौत ने आईएसआईएस के 150 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सीरिया के आसमान में उड़ान भरते ये जंगी जहाज अमेरिकी नौसेना के हैं जो इस्लामिक स्टेट के भेड़ियों की तलाश और उनका शिकार करने निकले हैं। जी हाँ, आपने एकदम दुरुस्त सुना। सीरिया की जमीन पर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ आग बरसा रही सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को ताकत देने के लिए ही अमेरिकी नौसेना ने अपने जंगी जहाजों को आसमान के जरिए जंग के मैदान में उतारा है। दरअसल अमेरिकी फौज को इत्तला मिली थी कि सीरिया की जमीन पर जिस इलाके से इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को खदेड़ा जा चुका है वहां मकानों के खंडहरों और बर्बाद हो चुके गुलिस्तान के बीच इस्लामिक स्टेट के कुछ जिहादी पनाह लिए हुए हैं और वो जमीनी सेना पर छिपकर वार भी कर रहे हैं। तब सीरियाई सेना की मदद कर रही गठबंधन की सेना ने अपने लड़ाकू विमानों को हवाई हमले के लिए तैनात कर दिया। खबरों का खुलासा यही है कि दजला नदी के बेहद नजदीक वाले इलाके अल शफाह में पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी। खुफिया खबरों के हवाले से बताया गया कि सीरिया के इस हिस्से में बगदादी के कुछ भेड़िए अपने लिए जमीन तलाश करने की गरज से यहाँ छिपे हुए हैं जो सीरियाई सेना की एक टुकड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। तब गठबंधन सेना को मदद के लिए बुलाया गया। अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट से तब F/A-18 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और देखते ही देखते पूरे इलाके को बारूदी बरसात से छलनी कर दिया। रेगिस्तानी इलाके से निकली खबरों पर यकीन किया जाए तो इस हमले में करीब 150 से ज्यादा आईएसआईएस के आतंकी मारे गए जबकि जो कुछ बचे वो नदी के जरिए मौके से निकल भागने में कामयाब हो गए। अमेरिका के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने यह जानकारी दी। आईएस विरोधी गठबंधन ने अगस्त 2014 से आतंकवादियों के खिलाफ इराक और सीरिया में करीब 16,000 हवाई हमले कर चुका है जिनमें से 2/3 हमले इराक में हुए हैं। इतना ही नहीं, गठबंधन सेना ने इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए पेशमर्गा और इराकी सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी और हथियार भी मुहैया कराए। अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि करीब 50,000 से ज्यादा आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन उसी अधिकारी ने अपना नाम छिपाए रखने की शर्त पे यह भी खुलासा किया कि इन हवाई हमलों में 173 नागरिकों की भी मौत हुई है।